हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम, मेरा नाम है वजाहत भगवान। राम जी पहुंच चुके हैं भाई साहब, प्रतियोगिता वाली जगह यानी जी माता सीता जी के मथीरा में। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट सीता। ओहो हैं सीता सीता, अरे इनको क्या हुआ? वही ना, उन्होंने पुकारा मुझे। ये देखिए क्या बनी हुई है, थोड़ी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। ये नाम लेते हैं तो ये जय हथियार। ये देखना यार, देख रहा है माता सीता को क्या हुआ। सर उन्होंने काम को, और क्यों ऑलरेडी ये यहाँ पे आ चुके हैं। क्या हो गया? लगता है माता जी को नींद नहीं आ रही। हाँ आई थिंक या शायद उसी की वजह से कि भगवान राम जी आए और जो उन्होंने नाम बोला था। अभी देख, आप तो त्रिकालदर्शी, आपको भूत भविष्य सब ज्ञात। बिल्कुल हाँ, कोई शक नहीं इसमें यार। आपको तो अवश्य पता होगा हाँ कि इनका मिलन कब और कैसे होगा। हाँ पर ये तो है, और वो दिन भी पता है। हाँ ना यार, जब मिलेंगे। आप में और हम में यही तो अंतर है स्वामी। राम और सीता भी त्रिकालदर्शी हैं, इसीलिए मैं उनकी व्याकुलता आपसे अधिक समझ सकती हूँ। ओह, आपको तो ये भी ज्ञात था कि हमारा मिलन होकर ही रहेगा। बिल्कुल, किंतु मैं सदैव इसी बात के लिए व्याकुल रहती थी। माता जी आप व्याकुल हो रही थी। वाकई तुम्हें तो केवल यही व्याकुलता थी पार पाने कि हमारा मिलन कब होगा। बिल्कुल, कैसे माता जी ने ट्राई भी बड़ी किया ना यार, क्या क्या किया है इन्होंने। सही बात है, किंतु क्या तुम्हें उसकी अधीरता का अनुमान भी? तो ये जानता हो कि उसका मिलन तुमसे निश्चित है। ओहो, क्या उसकी व्याकुलता तुम समझ सकते हो, जो शुरू स्पष्ट रूप से देख सकता हो, और परिणाम स्वरूप उसे समय की गति मंद प्रतीत होती है। त्रिकालदर्शी होने का अर्थ ये नहीं है बार बार कि मैं प्रेम की भावनाओं से वंचित हूँ। ये नहीं पता ही नहीं ना, हमी ने सिखाया है स्वामी। भगवान शिव जी को हर चीज पता है भाई। सती के रूप में आपसे विवाह करने के पश्चात कैलाश जाते हुए हम एक रात वन में थे, याद है? और उस समय चंद्रमा हमारे उस मिलन का साक्षी। के वन में इनका चंद्रमा साक्षी। हमसे सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए तीन वचन मांगे थे। हाँ,
यही कि तुम सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते हो। मुझसे असत्य नहीं कहा, झूठ नहीं बोले, और कोई भी बात मुझसे गोपनीय नहीं। हमने आपको तीनों वचन दिए फिर भी तोड़ो, और यही रिश्ता मजबूत होने की वजह होती है तीन बातें। तो हमें ये ज्ञात था कि हमारा पुनः मिलन निश्चित है, और जिनका मिलना निश्चित हो उन्हें नियति किसी भी रूप में कहीं भी अवश्य मिला था। वाह क्या। जैसे राम और सीता। स्वामी देख ले अब कल क्या होगा। कल क्या होगा, क्या होने वाला है। कल प्रातः प्रथम बार राम और सीता को एक दूसरे का प्रथम साक्षात्कार होगा। अरे ये जो हाँ और आज भी ये आज भी होते हैं तो अच्छा ये हमारे जो इस तरह के जो मजार हैं उनमें भी जलाए जाते हैं। हाँ हाँ इसी तरह नीचे रख के यूं करके ना जल रहे होते हैं। आज भी ये यार जाओ और पुष्प वाटिका से पुष्प ले आ। जी गुरुदेव। वाटिका से पुष्प मतलब वही फूल। हाँ ये कौन सी जगह। प्रणाम माँ। जी धीरू जाओ गौरी दर्शन कर लो। गौरी दर्शन माता गौरी। अच्छी जगह का नाम है देना फूल। ओए होए 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 ये कितने फूल हैं। ओए ये देख। ओए होए होए खूबसूरत जगह देख। वाह वाह यार। ओ भाई वाह। भगवान राम जी फूल जमा कर रहे हैं। हाँ देखना यार। अच्छा ये सारे फूल वो गोने हुए। अरे ये माता सीता जी की तरफ से तो कोई नहीं है आई है। अरे ये इन्होंने वो खड़ी हुई थी देख रही थी वहां पे, क्योंकि इनको अभी ख्याल भी आया वही जब भगवान राम जी आ रहे हैं आई थिंक जी वहां पे हैं। सही बोला परम। तुम ये पुष्प लेके चलो मैं अभी आ गया। ये वहां पे थी मैं वही कह रहा हूँ ना तभी इनको ऐसे देख रही जैसे इनको देखा हो। और साक्षात इधर भी इनकी नजर पड़ गई भाई। वाह यार। अरे वो रही। अरे 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 वो रही। ये रही आ गई ना। हो गया ना भगवान शिव जी ने जो कहा था। ये देख ले भगवान शिव जी ने जो कहा था यार।
अब दोनों सेम एक जगह पे। हाँ शायद बस अनुभूति, शायद अनुभूति हुई, अनुभूति हुई। हाँ अरे यार, नहीं वो शायद लक्ष्मण जी भी हो सकते हैं जो पीछे नजर आए थे, लेकिन बहुत करीब है। बिल्कुल पीछे माँ सीता जी थी, बिल्कुल पीछे। हाँ तो वही ना, सीता माता जी, लेकिन पीछे जो थी, पीछे जो थे वो आई थिंक लक्ष्मण जी थे, क्योंकि खैर वो थे दोनों पीछे, जो भी है, लेकिन राम जी भी थे एक जगह। वो लक्ष्मण जी तो चले गए, लेकिन हाँ ना, लेकिन अभी खोरम तू सोच, मतलब एक जगह पे माता सीता जी और भगवान राम जी, और ये देख भगवान शिव जी ने जो प्यारी, मतलब फूलों वाली जगह यार, और खूबसूरत जगह। और वो जो दूसरी जो वो देख रही थी, आई थिंक वो वहां पे खड़ी हुई थी, जब याद आई थी उनको ख्याल भी आ रहा था कि भगवान राम जी आ रहे थे, वो दिखाया गया, तो वो आई थिंक वहां पे खड़ी थी, वो देख के कैसे खुश हो गई यार। सोचना अभी देख, भगवान शिव जी ने भी जिस तरह कहा कि देख अब ये दोनों शायद हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, भगवान राम जी और माता सीता जी। ये कैसा वो चमत्कार है भाई। कि भाई वो देख, गुरु जी ने भी बोला इनको कि जाकर फूल ले आओ वहां से, और माता जी भी सुधर उसी टाइम आई। हाँ आई थिंक वो माता गौरी जी की पूजा के लिए आई थिंक फूल आई है। तो देखना सेम टाइम एक ही जगह पे होता है जो मिलन, ये चीज लिखी जाती है। अब आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पे इनका मिलन भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अनुभूति तो हो रही है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो बाय।